हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज की ब्लॉग की शुरुआत करता हूं अपनी छानी से। और मैं अपनी छानी आ गया हूं और अब मैं बताऊंगा अपनी छानी के इधर उधर क्या क्या दृश्य है, और मैं बताऊंगा हमारे खेत में क्या क्या फसल हो रही है, और आज का मौसम भी बताऊंगा। आज तो बादल लगे हुए हैं और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, और मौसम तो बहुत अच्छा है दोस्तों। थोड़ा ठंड भी लग रही है, आज ठंडा भी हो गया आज। तो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों आज का मौसम और इधर उधर। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, ये देख सकते हैं आप, ये कद्दू का बेल है, कद्दू की बेल है। ये कद्दू पे फूल लग रखे हैं, ये आप देख सकते हैं, ये फूल लग गए हैं दोस्तों। कद्दू तो लग गए थे, छोटे छोटे कद्दू भी लग गए थे इसमें, परंतु परसों बंदर की एक टोली आई थी, उन्होंने सारे कद्दू तो खा लिए, छोटे छोटे जो लगे हुए थे, और बहुत नुकसान करा है दोस्तों। ये अखरोट भी तोड़े उन्होंने। और अब बताएंगे दोस्तों आप, ये लौकी की बेल है दोस्तों, जिसके लिए हमें लकड़ी का और सपोर्ट लगाना पड़ता है, जिससे कि ये बेल उस पेड़ पे चले जाए, सपोर्ट पे चले जाए। और ये जो दिख रहा है आपको, ये मंडवा है, और ये मंडवा मतलब कोदा भी बोलते हैं हमारी पहाड़ी भाषा में, और ये मार्छा है। और मैं अब आपको बताऊंगा ये पहाड़ी ककड़ी की बेल, और इसके लिए किस प्रकार सपोर्ट लगाया जाता है। और ये पहाड़ी ककड़ी है, इसकी बेल है, और ये भी देख सकते हैं आप पहाड़ी ककड़ी, इसके लिए सपोर्ट लगाया है लकड़ी का, जिससे कि बेल पे आसानी से चढ़े। और आप देख सकते हैं ये अखरोट के पेड़ है, ये देखिए 2, 3, 4, 5 और 6-7 पेड़ नीचे वाले खेत में भी है। और ये देख सकते हैं ये सारा मंडुआ ही है, कोदा, ये मक्की है दोस्तों, मक्की है, ये भीमल के पेड़ है, ऊपर भी मक्की लगी हुई है, ज्यादातर यहाँ मक्की है और मंडुआ है, बोया हुआ है इस बार। और ये देख सकते हैं शेर खान भी बैठे हैं, ये हमारी गाय है इधर छानी में, और ये आग जगा के वो थोड़ा धूल दाल भगाने के लिए आग जलाई यहाँ। ये देख सकते हैं दोस्तों आप, ये गाय चल रही है, ये आगे है, पीछे है, ये गाय है, और ये आजकल देखिए कोदा झंगोरा सब खेतों में हो रहा है, पकने की स्थिति में है अभी, 1 महीना और लगेगा अभी। ये सामने छानी देख सकते हैं, ये जो पीछे है ये माता खंडद्वारी, राजराजेश्वरी खंडद्वारी माता का मंदिर है, जो ये पेड़ के नीचे आप दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा। और ये है दोस्तों हुन राजा का मंदिर है। हुन राजा एक हमारे दिचली पट्टी में बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, और हुन राजा यानी हुनेश्वर महादेव, और हुन मतलब हुन एक भगवान का नाम है, जो साक्षात शंकर अवतार है। तो आजकल श्रावण मास है, तो श्रावण मास में आप भी कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, और जय हुन राजा, हर हर महादेव, जय हुन राजा, जय जय हो। ओम सौराष्ट्र सोमनाथम च श्री शैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन महाकालम ओंकारम अमलेश्वरम परल्यम वैद्यनाथम च डाकिन्यां भीमशंकरम सेतु वंदे तो रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यम त्रिशिषम त्र्यंबकम गौतमीठते हिमालय केदारम कुसुमीचम सशिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि साय प्रातः पठेन सप्त जन्म कृतम पापम विस्मरणेन पठस्यति हर हर महादेव जय शिव शंभो। तो दोस्तों, मैंने अभी आपको हुनेश्वर महादेव हुन राजा भगवान के दर्शन करवा दिए हैं, और आप देख सकते हैं कितना सुंदर दृश्य है। यहाँ पे दिव्य और भव्य मेला भी लगता है दोस्तों। ये होना हुनेश्वर भगवान का प्रांगण है, यहाँ पे कथाएं भी होती है, बहुत सारे बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, और ये आप देख सकते हैं। और ये नीचे है, जब जिस दिन मेला लगता है तो उस दिन हुन राजा भगवान यहाँ पे नहाते हैं, और उनकी जो भी किसी की मनोकामना होती है उन्हें पूरा करते हैं। और हुनेश्वर भगवान का एक ऊपर कुआं भी है, स्रोत भी है, जहाँ जो यहाँ का पानी हम पीते हैं, और ये हुनेश्वर भगवान का स्रोत है, और इससे हम पानी पीते हैं। ये देख सकते हो दोस्तों आप, ये अंदर है, ये देखिए आप, और ये जो फोटो दिख रही है आपको, इस हमारे यहाँ के शहीद कारगिल शहीद दिनेश चंद्र कुमारी जी का फोटो है, जो कारगिल युद्ध में शहीद हो गए थे। और ये अखरोट का पेड़ दोस्तों हमारा, ये हमारी छानी है, ये दूसरे साइड से दिखा रहा हूँ आपको, ये चिल्ले का पेड़ है। और इसके नीचे दोस्तों ग्राम सभा वनकोट है।
देखिए दोस्तों, ये बच्चों का यहाँ पे मुकाबला क्रिकेट मैच हो रहा है। और ये छोटी क्या तिरनम, अरे सरमारी है ये, सरमारी तिरनम के। और देखिए अब ये है, ये अंकित बैटिंग कर रहे हैं। और ये देखिए ये बॉलर, छोटा भाई बॉलिंग कर रहा है और बड़ा भाई बैटिंग कर रहा है। और ये देखिए, ये तीन गांव के लोग मिले हुए हैं अभी। और यशा तू क्या कर रहा, तेरा काम कुत्ते लड़ाने का है। और ये देखिए, और इस राखी को देखिए कैसी हंस रही है। ये देखिए दोस्तों, ये आरू है, आरू लगे हुए बहुत सारे। अब ये मैं आरू तोड़ रहा हूँ, ये आप आरू भी दिखाओ, आरू की फोटो भी दिखाओ। ये देखिए आप आरू लगे हुए हैं, ये दिखा सकते हैं आप आरू, कितने सारे आरू लगे हुए हैं। आरू का सीजन है, आपको आरू का मजा लीजिए आप भी दोस्तों, और खूब इंजॉय कीजिए आप भी। और आपको भी आरू खाने होंगे तो आप भी मुझे मैसेज करना। अब अखरोट के पेड़ से हम अखरोट तोड़ेंगे दोस्तों, और बताएंगे आपको कि किस प्रकार अखरोट लगे हुए हैं। अखरोट बहुत अखरोट लगे हुए हैं। आओ कैमरामैन आप दिखाइए, ये देखिए अखरोट, ये आप दिखा सकते हैं, ये है अखरोट। और ये लगे हुए हैं, ये अखरोट भी आप दिखाइए, ये कितने सारे हैं। कम से कम इस पेड़ पे हो जाएंगे 40-50 किलो तो हो ही जाएंगे। ये देखिए आप, ये अखरोट है दोस्तों। अब हम आपको बताएंगे ये इस प्रकार के, ये बहुत अच्छे अखरोट होते हैं दोस्तों। ये तोड़ने में थोड़ा हार्ड होते हैं बेशक, पर ये चीज खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। ये हम आपको बताएंगे, आप ये दिखा सकते हैं पेड़ से, ये है दोस्तों। और ये पेड़ भी दिखाओ आप, ये संतरे का पेड़ है दोस्तों। और अब नींबू का पेड़ भी बताएंगे आपको, आ जाओ कैमरामैन। ये तो माल्टे का पेड़ है ये वाला, और ये जो है ये कागजी नींबू का दोस्तों। ये नींबू आप देख सकते हैं, ये नींबू हर चीज में और शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है। आज का ब्लॉग हम यहाँ भगवान हुन्नागराजा और माता राजेश्वरी खंडारी देवी के चरणों में समाप्त करते हैं। और माता जी से और भगवान हुन्नागराजा से आपके मानव कल्याण के लिए प्रार्थना करेंगे। तो यार तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करना ना भूले।